जब दिल कमज़ोर हो जाए, डॉक्टर कहेंगे बैटरी पड़ेगी, अब उस वक्त ये नुस्खा इस्तेमाल करें। 7 पत्थर हैं जिनमें मरवारी भी शामिल है, अकीक, याकूत, जमुर्द, मरजान, ज़हर मौरा, खताई, जशब और मरवारीद, शायद कोई रह गया हो। इनको 120 घंटा अर्क गुलाब से आदशा या 6 दफ़ा कशीर किया हुआ, उससे इसको खरल करें। 120 घंटा इतना हो जाए कि ये मालूम ना हो, आप ज़बान पर लगाएं तो जैसे चीनी पीसी हो ऐसा महसूस हो, वो हल हो सके। इसमें से आप पहले इकट्ठा बना के रख लें, इसमें से 35 ग्राम ले, 5 ग्राम इसके अंदर अंबर ना 5 ग्राम इसके अंदर ज़ाफ़रान और 3 ग्राम इसके अंदर अंबर शामिल कर दें और इसको फिर 10-12 घंटे खरल कर दें। यह आपके पास दिल के दर्द का वाहिद नुस्खा, दिल की तकवीत के लिए वाहिद नुस्खा। इसकी मैं एक छोटी सी तारीफ़ कर दूँ। मेरा एक शागिर्द है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कर्नल खालिद, एजुकेशन के पीएचडी केमिस्ट्री हैं। पिछले उस आए थे जिन्होंने कहा था कि मैंने पीएच मालूम किया है, साबर साहब के सब नुस्खों को पानी में डिल्यूट करके उसको पीएच के हिसाब से देखा है, उनकी बात कर रहा हूँ। कहते ये वाइफ की ना दिल की तकलीफ रहती है। मैंने कहा अच्छा, मैं इधर से गया, कुदरती उनको जिम्मे का दिन था, सुबह मुझे उन्होंने रिसीव किया, वो ड्यूटी पर चले गए, जेब में थे। उनके साथ दूसरा एक कर्नल था, उसका भाई CMH में दाखिल था, जो आर्मी का अदारा है वहाँ हार्ट का। उसको उन्होंने कहा जी इसका दिल बहुत कमज़ोर है, इसकी शरियाने भी ये हैं, इसका फलाम भी ये है, इसका बाईपास होगा। उसने उस कर्नल साहब था, वो कर्नल साहब को बताया मेरे भाई का ऐसा है, तो उन्होंने कहा चलो चलते हुए देख ले। हफ्ते एतवार की छुट्टी थी, जिम्मे के दिन गए, उसकी जो हालत देखी उसको झटके लग रहे थे रिएक्शन के तौर पर। तो उन्होंने कहा निकाल कर 2-4 चावल उसके ज़बान पर रखे, उसको कुछ अफाका महसूस हुआ। उसने कहा यार दूसरे कर्नल ले गया, छाड़ यार रहन दे है, भाई नू दे दे, उन दे देता। रात को उसने 3-4 दफ़ा चाटा, दिन को चाटा 4-5 दफ़ा उसने ये किया, उसको महसूस हुआ। हफ्ता था, एतवार था आगे, हफ्ते के दिन वो तमाम के तमाम खा गया, थोड़ा सा रह गया। रात को उसको भूख लगी, तीसरी मंजिल से जो चंद कदम नहीं चल सकता था, तीसरी मंजिल से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया, कंटीन पर बिस्कुट और चाय खाकर ऊपर चले गए। जब आप जाकर बिस्तर पर लेटा, उसने कहा यार मैं तो चल नहीं सकता था, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया हूँ। उसने जो बाकी था उसके वो भी निकाल के खा लिया। सोमवार के दिन ऑपरेशन के लिए थिएटर में ले गया, उसको सारे टेस्ट किए, उसके बाद उसे पकड़ के उठाया, जाओ यार अपने पैसे लो और घर चले जाओ, तुम तो ठीक हो। ये दोनों कर्नल बाद में गए कि भाई का ऑपरेशन होगा, चलो उसका पता कर ले। वो कहता जी मुझे तो इन्होंने फारग कर दिया, पैसे मुझे वापस कर दिए, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसे भी नुस्खे हैं।